वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं आपको 8.3 के क्वेश्चंस कराऊंगी। उसमें भी आपको ट्रांसपोजिशन के मेथड से करना था और इसमें भी आपको ट्रांसपोजिशन के मेथड से ही करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 6x + 5 = 2x + 17 है। x x के टर्म को एक साथ ले लेना है, नंबर नंबर को एक साथ ले लेना है। तो देखो 6x - 2x = 17, यहाँ प्लस में 5 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 5। 6 में से 2 गया, क्या बचा 4x, 17 - 5 यहाँ पे आपका बन गया 12। तो x का वैल्यू क्या होगा 12/4, x का वैल्यू क्या होगा आपका 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सिंपल आपको टर्म्स का फर्क था, यहाँ पे आपको देखो रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, और रेशनल नंबर मैंने आपको बताया ही था जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो देखो x/2 = x/3 + 1/1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका 1 हो गया। अभी देखो x/2 = 3 का एलसीएम ले लिया, 3 बन जा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया, क्या आया 1, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आया, 1 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 बन जा 3। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 3x = 2x + 6, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो देखो 3x - 2x = 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया 6, और ये 6 आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के और क्वेश्चंस कराऊंगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ आप मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।